अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज आपकी मेंटल मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। तो सभी बच्चे अपने मेंटल मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 5 पर है आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकर रोज़ाना 2.5 घंटे पढ़ता है, लेकिन जुमे वाले दिन वो सिर्फ 1 घंटे पढ़ा। यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 6 दिन तो बाकर 2.5 घंटे पढ़ता है और 1 दिन यानी जुम्मे वाले दिन वो उसने सिर्फ 1 घंटे पढ़ा है। बताइए पूरे 7 दिन उसने कितने घंटे पढ़ाई की। अब आपको टोटल टाइम बताना है कि पूरे 7 दिन बाकर ने कितने घंटे पढ़ाई की है। यानी 6 दिन तो वो 2.5 घंटे के हिसाब से पढ़ता है और 1 दिन उसने 1 घंटे के हिसाब से पढ़ाई की है। तो आपको इसी हिसाब से इसकी टोटल टाइमिंग निकालनी है पढ़ाई की। तो चलिए देखते हैं इसको कॉपी में किस तरीके से करना है। ये देखिए कॉपी में आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 15, बाकर रोज़ाना पढ़ता है, कितना पढ़ता है? 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट बाकर रोज़ाना पढ़ाई करता है। लेकिन जुमे को वो पढ़ता है, जुमे को कितना पढ़ा उसने? 1 घंटे। जुमे को वो 1 घंटा पढ़ता है, उसके अलावा बाकी के 6 दिन वो 2.5 घंटे पढ़ता है। 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे 30 मिनट। 7 दिन में कुल कितने घंटे पढ़ाई की आपको ये बताना है। तो 6 दिन के 2.5 घंटे का हिसाब ये देखिए इस तरीके से आपको इजी पड़ेगा। 2 + 2 + 2 + 2 6 टाइम लिख लिया और नीचे 30 + 30 + 30 2.5। अगर आप 2.5 को प्लस कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। ये देखिए जब आप इसको प्लस करेंगे घंटों को तो टोटल आएगा 12 घंटे। उसके बाद जब आप मिनट्स को प्लस करेंगे तो 30 और 30 1 मिनट, फिर 30 और 30 2 मिनट, और फिर 30 और 30 3, यानी 30 मिनट और 30 मिनट 1 घंटा, 30 मिनट और 30 मिनट 2 घंटे, और फिर प्लस 30 और 30 करेंगे तो 3 घंटे आएगा। तो ऊपर के 12 घंटे, नीचे के 3 घंटे। उसके बाद बचा जुम्मे का 1 घंटा। ये देखिए बाकर ने 7 दिन पढ़ाई की तो टोटल टाइमिंग आएगा 16 घंटे। 12 घंटे जमा 3 घंटे जमा 1 घंटा, ये तो है आपके 6 दिन के 2.5 घंटे का हिसाब, और ये है 1 दिन का यानी जुम्मे वाले दिन का 1 घंटे का हिसाब। इसको जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 16 घंटे। आप चाहें तो डायरेक्ट 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए 2.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30, कैरी गया 3, 6 × 2 = 12, 12 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15, तो ये आ गया 15। उसके बाद एक के बाद पॉइंट है तो नीचे से आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ गया 15.0, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये आ गए आपके 6 दिन का टाइम 2.5 घंटे के हिसाब से 15 आवर्स यानी 15 घंटे। इसमें आप एक ऐड कर देंगे यानी कि 15 + 1, क्योंकि 15 घंटे हो गए 6 दिन के और 1 घंटा जुम्मे का, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 आवर यानी 16 घंटे। तो बाकर 7 दिन में टोटल कितनी पढ़ाई करता है? 16 घंटे वो पढ़ाई करता है यानी 16 आवर्स। मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है, और जो तरीका आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे, आप उस तरीके से इस सवाल को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए बुक में इसका आंसर करते हैं। आंसर नंबर 15 है 16 घंटे, यानी बाकर एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई करता है? 16 घंटे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नदीम ने 6 किलो संतरे खरीदे तथा अपने 6 पड़ोसियों को 250 ग्राम यानी 250 ग्राम संतरे बांट दिए। बताइए उसके पास कितने किलो संतरे बचे? यानी उसने टोटल 6 किलो संतरे खरीदे और 6 पड़ोसियों को उसने 250 ग्राम के हिसाब से 6 पड़ोसियों को बांट दिए। यानी 250 ग्राम एक को, 250 ग्राम दूसरे को, 250 ग्राम तीसरे को, 250 ग्राम चौथे को, 250 ग्राम पाँचवे को, 250 ग्राम छठे पड़ोसी को उसने बांट दिए। अब आपको बताना है कि उसके पास संतरे 6 पड़ोसियों को बांटने के बाद अब कितने संतरे उसके पास बच गए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको इस तरीके से करना है। नदीम ने संतरे खरीदे, टोटल कितने संतरे खरीदे थे नदीम ने? 6 किलो। 6 पड़ोसियों को बांटे और उसने 6 पड़ोसियों को जो संतरे बांटे वो कितने कितने बांटे? 250-250 ग्राम उसने संतरे बांटे, यानी एक पड़ोसी को 250 ग्राम, फिर दूसरे को 250 ग्राम, इस तरीके से उसने 6 पड़ोसियों को 250-250 ग्राम संतरे बांटे। नदीम के पास संतरे बचे, अब नदीम के पास कितने संतरे बचे आपको ये बताना है। ये देखिए उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पड़ोसियों को 250 ग्राम करके संतरे बांट दिए, तो कितने हुए? 250 ग्राम 250 ग्राम आधी किलो, फिर 250 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो, और फिर 250 ग्राम 250 ग्राम कितने हुए? 1.5 किलो। यहाँ हुए आधी किलो, यानी कि 0.5 kg। फिर यहाँ हुए 1 किलो, फिर यहाँ हुए कितने? 1.5 किलो, यानी 1.5 kg। अब टोटल उसके पास कितने संतरे थे? 6 किलो। 6 किलो यानी 6.00 kg टोटल उसके पास इतने थे, और उसने बांटे कितने? 1.5 kg, यानी कि 1.50 kg उसने बांट दिए। तो अब जब आप इसको माइनस करेंगे 6.00 1.50, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए 0 का तो 0 आ गया, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी ले लिया, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिएगा। उसके बाद 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो अब जो उसके पास बचे वो 4.50 संतरे बचे। कितने बचे? 4.5 किलो। 4.50 का मतलब होता है 4.5 किलो संतरे अब उसके पास बच गए। तो नदीम के पास संतरे बचे 4.50 kg, यानी 4.5 किलो संतरे उसके पास बचे। 6 किलो में से 4.5 किलो संतरे उसके पास बच गए, बाकी जो 1.5 किलो थे वो उसने अपने पड़ोसियों को 250-250 ग्राम करके 6 पड़ोसियों में बांट दिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब इसका आंसर बुक में लिखते हैं। तो आंसर नंबर 16 है 4.50 kg, यानी 4.5 किलो संतरे उसके पास बच गए। किसके पास? नदीम के पास। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।